कोई मुसलमान एक बीबी एक हस्बैंड दो बच्चा खुशी से रहो, तो ये हमारा स्टैंड है। तो इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहता हूं, हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है इक्वल शेयर आप बेटी को भी दे दीजिए, उसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है। तो असम गवर्नमेंट का माइंड हर इश्यू में वेरी क्लियर एंड शार्प है कि आप तलाक मत दीजिए, आप लीगली डाइवोर्स दीजिए। अगर मियां और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रॉपर्टी एक्योर किया था उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, आप तीन तीन शादी मत कीजिए, एक शादी कीजिए। नंबर थ्री, अगर आप पिता है तो मुसलमान महिलाओं को मुसलमान बेटियों को बेटा का समान आपका प्रॉपर्टी में अधिकार दीजिए। सो ये तीन मुद्दा में हम लोग बहुत ही क्लियर है, हम लोग का सॉल्यूशन वेरी क्लियर एंड शार्प है। और उसमें हमारा जो असम प्रदेश का जो मुसलमान लोग है मेरा बात को वो लोग सपोर्ट भी करता है। हमारा यहां में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर कोई आके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कराना चाहते अलग बात है, बट इनहेरेंटली मुझको कोई मुसलमान क्वेश्चन नहीं करता है कि आप क्यों हमको तीन बेबी भी शादी करने में मना किया है। सब तो उल्टा बोला है कि दादा आप अच्छा बोला है, लोगों को ये तीन तीन शादी नहीं करना चाहिए।